आगर रोड स्थित संजय नगर में बीती रात एक सिरफिरे युवक ने अपनी ही पत्नी और बेटे को चाकू गोप कर मौत के घाट उतार दिया और फरार हो गया। सुबह पड़ोसी द्वारा दरवाजा खटखटाने पर जब कोई आवाज नहीं आई तो पड़ोसी ने पुलिस को सूचना दी। दरवाजा खोलने पर घर में खून सदी लाश मिली, जिनकी पुलिस तस्दीक कर रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार चिमनगंज थाना क्षेत्र में संजय नगर गली नंबर 2 में जब सनसनी फैल गई, जब लोगों को जानकारी मिली कि अनिल ने अपनी ही पत्नी और बेटे की हत्या कर दी है। यहां पुलिस ने बताया कि अनिल ने अपनी पत्नी सरिता उम्र 45 वर्ष और बेटे अभय यादव उम्र 17 वर्ष को चाकू घोप कर हत्या कर फरार हो गया। बताया जा रहा है कि अनिल शुक्ला ब्रदर्स की बस का चालक है। दोनों पति पत्नी के बीच आए दिन विवाद होते रहते हैं। सरिता अनिल की दूसरी पत्नी है। बीती रात भी दोनों के बीच विवाद हुआ, जिसके बाद अनिल ने मां बेटे को चाकू घोप कर मौत के घाट उतार दिया और फरार हो गया। फिलहाल चिमनगंज पुलिस मामले की जांच कर रही है। उज्जैन से अजय निमा की रिपोर्ट। थाना चिमनगंज का घटनाक्रम है, जिसमें दो डेड बॉडी एक महिला की और एक बच्चे की घर के अंदर ही मिली है, जो प्रथम दृष्टया कारण मृत्यु का लगता है वो स्टैबिंग इंजुरी से, चाकू से, शार्प ऑब्जेक्ट से की हुई स्टैबिंग इंजुरी लग रही है। घटनास्थल का भ्रमण किया गया है, FSL साइंटिस्ट द्वारा भी किया गया है, और इसमें जो पूछताछ प्रारंभिक आई है उसमें जानकारी प्राप्त हुई है कि जो महिला का पति है उससे कुछ झगड़े की बात आस पड़ोस वालों ने सुनी है, और जो पति है महिला का वो वर्तमान में है भी नहीं, यहाँ पे अनुपस्थित है। तो इस पे भी पुलिस जो है जानकारी प्राप्त कर रही है। अभी जो प्रारंभिक कार्रवाइयाँ होती है वो पुलिस द्वारा की जा रही है, उसके पश्चात FIR रजिस्टर करके पोस्टमार्टम कराया जाएगा, और प्रथम दृष्टया हत्या का ही प्रकरण लग रहा है, जिसमें महिला और बच्चे की हत्या की गई है। पुलिस द्वारा इसमें वर्तमान में साक्ष्य संकलन किया जा रहा है, विवेचना की जा रही है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। मध्य